आज का एपिसोड इमली और अर्पिता के मंदिर में पवित्र पेड़ को धागा बांधने के साथ शुरू होता है, जब इमली अचानक बेहोश हो जाती है। राठौर महिलाएं इमली के पास दौड़ती हैं, लेकिन एक महिला उन्हें यह कहते हुए रोक देती है कि वह एक दाई है और इमली की जांच करती है। बाद में दाई उन्हें चिंता न करने के लिए कहती है, क्योंकि इमली गर्भवती होने के कारण बेहोश हो गई थी। नर्मदा भ्रमित हो जाती है और दाई को इमली की बांझपन के बारे में बताती है। हालांकि दाई जोर देकर कहती है कि इमली गर्भवती है और उन्हें बताती है कि यह भगवान का आशीर्वाद रहा होगा। इस बीच आर्यन फर्टिलिटी क्लिनिक में अपने परिणामों की प्रतीक्षा कर रहा है, ताकि वे इमली के लिए IVF उपचार के साथ आगे बढ़ सकें। हालांकि तभी उसे अर्पिता का फोन आता है, जो उसे इमली के गर्भवती होने के बारे में दाई के शब्दों के बारे में सूचित करती है। आर्यन इस खबर से बहुत खुश हो जाता है, लेकिन फिर भी अपने परिणामों को देखने का फैसला करता है। बाद में आर्यन अपना रिजल्ट लेकर अपनी कार में चला जाता है। हालांकि अपने परीक्षा परिणाम वाले लिफाफे को खोलने पर आर्यन को पता चलता है कि वह बांझ है। राठौर परिवार के लिए यह क्या नया मोड़ लेकर आएगा? क्या आर्यन को उसके प्रति इमली की वफादारी पर शक हो जाएगा और वह उससे सवाल करेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें।